मेरी तरफ से सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हाँ हर इंफॉर्मेटिव वीडियो, नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये सेंट किट्स एंड नेविस ये जज़ायर दो हैं और मैप पर आप देख सकते हैं किन किन जज़ायर के दरमियान में ये जज़ीरे हैं। दोस्तों, सेंट किट्स एंड नेविस वेस्ट इंडीज जज़ायर का सबसे छोटा और जज़ीरा नुमा मुल्क है। सेंट किट्स एंड नेविस की लंबाई 33 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसका रकबा 261 मुरबा किलोमीटर है। जज़ीरे की एक तरफ आतिश मशानी पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। सेंट किट्स पार नामी जज़ीरे को दरियाफ्त करने वाले शख्स के नाम से मनसूब किया गया है, जबकि दोस्तों नेविस नाम यहाँ पर मौजूद एक बर्फ पोश पहाड़ के तौर पर दिया गया है। अस्पानवी जबान में नेविस का मतलब है बर्फ, इसलिए इस जजीरे को सेंट किट्स एंड नेविस का नाम दिया गया है। इस जजीरे को वेस्ट इंडीज जज़ायर की माँ भी कहा जाता है और एंगोला जजीरा भी इस जजीरे का हिस्सा हुआ करता था, जिसने 1980 में अलहदगी हासिल की। दोस्तों, सेंट किट्स एंड नेविस दो सिस्टर आईलैंड हैं और इन दोनों जज़ायर की आबादी 55,000 है। जबान अंग्रेजी और बड़ा नस्ली ग्रुप अफ्रीकी है। दोस्तों, यूरोपियन और इंडियन भी यहां पर आबाद हैं, जो कि 95% लोग ईसाई मज़हब को और 45% लोग यहूदी और हिंदू मत को मानते हैं। इसकी करेंसी ईस्ट कैरेबियन डॉलर है। ये सियाहत के एतबार से बेहतरीन जगह है। इस जज़ीरे की बरामदात शुगर, चीनी यानी शराब, चिंगा और तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक अशिया शामिल हैं और सनती पैदावार में डेयरी, गाय का गोश्त, मटन, सूर का गोश्त, मुर्गी, सब्जियां, फल काबिले जिक्र है। यहाँ माहीगिरी भी की जाती है। इस जज़ीरे की आमदनी का इंसार ज़राअत और चीनी पर है। दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीका के बंदर भी पाए जाते हैं। इन जज़ायर की साहली पट्टी की लंबाई 135 किलोमीटर है और तंबाकू को सबसे पहले यहाँ पर उगाया गया था। दोस्तों, यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा जरखेज है और यहाँ पर गर्मियाँ सख्त और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। ये जजीरा मरजान की चट्टानों से घिरा हुआ है और नेविस और किट्स के दरमियान फासला तकरीबन 3 किलोमीटर का है। इसका कुल रकबा 900 यानी कि 93 मुरबा किलोमीटर है और यहाँ पर समुद्री तूफान काफी आते हैं और ये मई और अगस्त के दौरान आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर माउंट लोमिका पाया जाता है, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 3752 फुट है। दोस्तों, यहाँ पर दो एयरपोर्ट हैं। सेंट किट्स एंड नेविस ने बरतानवी राज से 1983 में आज़ादी हासिल की थी। दोस्तों, यहाँ पर बच्चों को स्कूल के अलावा चर्च में भी तालीम दी जाती है और यहाँ पर हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल भी हैं। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो सेंट एंड किट्स नेविस पर। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसके लिए कलीम भाई को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।